आने वाली 18 मार्च 2022 को बुध ग्रह सूर्य के एकदम समीप आ जाएंगे, जिसके कारण बुध ग्रह सूर्य के प्रकाश में अस्त हो जाएंगे। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सानिध्य में ही रहते हैं। बुध काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव और षष्ठम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। बुध की कुशलता को निखारने के लिए की गई कोशिशें छठे भाव द्वारा दिखाई देती हैं। जब जब बुध का संबंध शुक्र चंद्रमा और दशम भाव से बनता है और लग्न से भी दशम भाव का संबंध बन रहा हो, तो व्यक्ति कला कौशल को अपने जीवन यापन का साधन बनाता है। जब जब तृतीय भाव में बुध शुक्र और चंद्रमा का संबंध बनता है, तो व्यक्ति गायन क्षेत्र में कुशल होता है। इसी तरह अगर बुध का संबंध शनि और केतु से बने और दशम भाव और लग्न भाव को प्रभावित करे, तो ऐसे व्यक्तियों की रुचि तकनीक की तरफ रहती है। बुध ग्रह ही लेख की कुशलता को भी दर्शाते हैं। यदि बुध का संबंध पंचम भाव से हो और यह संबंध लग्नेश, तृतीयेश और दशमेश से बनता हो, तो ऐसा व्यक्ति संचार माध्यम से जीविकोपार्जन करता है और पत्रकारिता को भी दर्शाता है। मंगल ग्रह से अगर बुध का संबंध हो तो और दशम भाव और लग्न भाव से संबंध बनता हो, तो इंसान वाणिज्य के कार्यों में कुशल होता है। बुध ग्रह मस्तिष्क, जिह्वा, स्नायु, कंठ, ग्रंथि, त्वचा, वाक शक्ति, गर्दन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्मरण शक्ति के स्याही, सिरदर्द, त्वचा के रोग, दौरे, चेचक, कफ और वायु प्रकृति के रोग, गुगापन, उन्माद जैसे विभिन्न रोगों के कारक बुध ग्रह को माना गया है। बुध ग्रह के बिना किसी भी चीज का विश्लेषण करना, गहन अध्ययन करना एवं कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना संभव नहीं होता है। कुंडली में स्थित मजबूत बुध जातक को अच्छा संवाद कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता और तेज बुद्धि प्रदान करता है। यही बुद्धि के कारक ग्रह 18 मार्च 2022 को शाम को 4:06 पर कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद यह 8 अप्रैल 2022 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। तो बुध के इस कुंभ राशि में अस्त होने की वजह से हमारी जो 12 राशियां हैं वह अनेक प्रकार से प्रभावित होंगी। तो कल की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं प्रथम की 6 राशियों के बारे में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में शिक्षा के पंचम भाव में बुध अस्त होने वाले हैं। बुध की इस अस्त अवस्था के दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक कार्यों की ओर रह सकता है। पेशेवर जीवन में आपको नौकरी के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो आप इस समय अवधि में अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। विदेश से संबंधित कोई भी व्यवसाय इस समय अवधि में लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में आर्थिक प्रवाह अच्छा रहने वाला है। अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो बुध के इस अस्त अवस्था में आपका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत खुशहाल रहने वाला है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय अवधि में आपको बेचैनी हो सकती है। इस बेचैनी से बचने के लिए आपको इस समय अवधि के दौरान योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में माता के चतुर्थ भाव में बुध अस्त होने वाले हैं। बुध की यह अस्त अवस्था आपके पेशेवर जीवन के लिहाज से सही नहीं रहेगी। नौकरी के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यदि आप व्यवसाय चला रहे तो इस समय अवधि के दौरान आप कुछ अच्छे व्यावसायिक संबंध स्थापित कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। हालांकि यह समय किसी नए व्यापार में प्रवेश के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि नया व्यापार शुरू करने में लाभ के योग बहुत कम बनते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आय और व्यय
दोनों बराबर रहेंगे। यदि आप कृषि से जुड़े हैं तो इस समय अवधि में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से बुध के इस अस्त अवस्था में आप अपने सुख सुविधाओं के साधनों को वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर विवादों के चलते परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इसके साथ साथ सर्दी जुखाम और एलर्जी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन 5 बार ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में पराक्रम के तृतीय भाव पर बुध अस्त अवस्था में होंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको कार्य के सिलसिले में यात्राओं पर निकलना पड़ सकता है। यह यात्राएं करियर के लिहाज से फलदायी सिद्ध होंगी। साथ ही इस समय अवधि में आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में आपको नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो यह अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक रूप से आपको अपनी आमदनी और खर्चों पर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। विदेश से जुड़े हुए व्यापार में इस समय अवधि में लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर संचार में कमी के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय अवधि में आपको आंखों में खिंचाव तथा जलन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको अपने आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गरीब बच्चों को खाना खिलाएं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में वाणी के द्वितीय भाव में बुध अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर जीवन में आपको नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके लिए काफी संतोषजनक साबित होगा। कार्यस्थल पर आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का आपको परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको इस समय अवधि के दौरान अपने व्यवसाय में सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही यह अवधि आपको अपने व्यवसाय के प्रगति के लिहाज से बहुत शुभ साबित होने वाली है। आर्थिक रूप से भी आप इस समय अवधि में बेहतर कमाई करने में सक्षम रहेंगे, जिसकी वजह से आप धन की बचत भी कर पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपके अपने परिवारजनों और जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध रहेंगे। हालांकि कभी कभी वाणी भाव पर बुध का अस्त होना आपकी वाणी को खराब कर सकता है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकता है, तो आपको बुध की इस अस्त अवस्था के दौरान योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान की पूजा करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में व्यक्तित्व के प्रथम भाव पर बुध अस्त होने वाले हैं। बुध की इस अस्त अवस्था के दौरान आपका झुकाव आध्यात्म की ओर रह सकता है। पेशेवर रूप से भी कार्यस्थल पर माहौल आपके अनुकूल रहने वाला है। साथ ही आपको अपने कार्यस्थल पर या नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप किसी व्यवसाय के स्वामी हैं तो आप इस समय अवधि में अपने मन मुताबिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही आप अपनी बुद्धि से कुछ नई व्यावसायिक तकनीकों का पता लगाने में भी सफल रहेंगे। आर्थिक रूप से बुध की यह अस्त अवस्था आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। आप इस समय अवधि में अच्छी कमाई के साथ साथ धन की बचत भी कर पाएंगे। साथ ही किसी विरासत के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपकी कड़ी मेहनत के द्वारा आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में भी आपके और आपके जीवन साथी के संबंध अच्छे रहेंगे, जिसमें आपके बीच प्रेम और आपसी समझ में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपका उत्तम स्वास्थ्य आपके जीवन पर 4 चांद लगा देगा। यानी स्वास्थ्य के लिहाज से भी बुध की यह अस्त अवस्था आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। इस अस्त अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध 4वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं।
इस अस्त अवस्था के दौरान व्यय और हानि के 12वें भाव पर बुध अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो कार्यस्थल पर माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है, जिसके कारण आपको नौकरी का दबाव महसूस होगा। हालांकि आप अपने मेहनत के दम पर इस दबाव को भी पार करने में सफल रहेंगे और आप अपने कौशल का विकास करने में सक्षम रहेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय अवधि में विदेश में व्यापार करने का भी मौका मिल सकता है और इस तरह की कोई नई शुरुआत आपके लिए फलदायी सिद्ध होगी। आर्थिक रूप से आप विदेश से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, साथ ही धन की बचत करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। इस समय अवधि के दौरान आप किसी संपत्ति को खरीद सकते हैं या व्यापार में कोई निवेश कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो परिवार के लोगों के साथ संबंधों में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर आपसी समझ में कमी के कारण जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ कमी आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव के कारण आपको पीठ दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा और योग और ध्यान का सहारा लेना होगा। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। तो यह था बुध का कुंभ राशि में अस्त होना, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।